तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो ह्यूमन एनर्जी ब्लॉग के साथ। तो कैसे है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मैं इसको अभी मतलब वीडियो को नहीं बनाया था काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा कोई गोल्ड की वीडियो नहीं आई है। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं पूरा एक एग्जैक्ट आपको कुछ बताने वाला था ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। बहुत से लोग अब दुबई में गोल्ड ले रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 से अब ये स्टार्ट होने वाला है कि जो HUID है वो 6 डिजिट नंबर आपके गोल्ड में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक तो निकाला है ताकि जो अगर चोरी वगैरह हो रहा है या कोई सेल कर रहा है आपका गोल्ड कोई भी, तो वो 6 डिजिट जो नंबर होंगे उसके थ्रू पता लग जाएगा कि ये जो है गोल्ड किसके नाम पे था और क्या सीन है। तो वो सब उस HUID के नंबर में होगा। उससे क्या होगा गाइस, अब मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट जब ये स्कीम लेके आ चुकी है तो अब इंडिया में क्या हो सकता है, गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं। तो जो भी लोग दुबई से गोल्ड लेके जा रहे हैं, दुबई में तो ऑलरेडी वो होल मार्किंग रहती है और 6 डिजिट नंबर भी मिल जाता है, जब आप बिल वगैरह लेते हैं तो उसमें मेंशन रहता है कोड, तो उसमें आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इंडिया में गोल्ड रहने वाला है, मेरे को लगता है कि उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि गोल्ड के प्राइस सेम रहेंगे, अब उसमें मेकिंग चार्ज ज़्यादा लग जाएगा गाइज। हाँ, और रही बात पहले वाले गोल्ड की, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपने जहाँ से गोल्ड लिया है आप उनके पास वापस जाके उस पर होल मार्किंग करवा सकते हो, शायद वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लें। अभी उसका ऐसा मेरे को कुछ आइडिया नहीं है बट मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। फिलहाल के लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब दुबई से अगर आप गोल्ड लेके जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इंडिया में वो गोल्ड को सेल कर रहे हैं तो, या फिर इंडिया दुबई से इंडिया लेके जा रहे हैं तो। और एक और बात गाइज इसमें ये ऐड करने वाला हूँ मैं कि अब जो प्योरिटी है गोल्ड की वो आपको इंडिया में भी ऑलमोस्ट जो कहते थे ना कि प्योरिटी चाहिए भाई प्योरिटी, दुबई भी गोल्ड के मामले में प्योरिटी में है, तो अब इंडिया में भी तो गोल्ड आपको पूरी प्योरिटी के साथ मिलने वाला है क्योंकि जब वो होल मार्किंग आ जाएगी तो वो गोल्ड हो जाएगा पूरा परफेक्ट और लीगली ऑथोराइज वो हो जाएगा गोल्ड। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें मेंशन है एडिशनल सेक्रेटरी नीति खरे, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सेड इन कंज्यूमर इंटरेस्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट आफ्टर 31 मार्च 2023 सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्क विदाउट HUID शैल नॉट बी परमिटेड। तो वो आप देख लेना, मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी गोल्ड की वीडियो बनाता हूँ अपने भाई बहनों के लिए। अभी भी मेरी एक और गोल्ड की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, ये खाली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। मेरे प्यारे भाई बहन माताएं जो भी ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए अब आप ये ध्यान रखें, अगर आप किसी से भी गोल्ड ले रहे हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए गोल्ड ना लें किसी से, अगर आप वैसे परचेस कर रहे हैं और नॉर्मल शॉप से भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप अभी गोल्ड ले रहे हैं तो आई थिंक उसमें होल मार्किंग नहीं होगी तो वो आपको दिक्कत हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में, जब आप नेक्स्ट मंथ में जाएंगे अप्रैल में, और उसके बाद उसमें काफ़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बेटर है थोड़ा इंडिया में अगर आप गोल्ड परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा पता कर ले, अगर वहाँ पे होल मार्किंग है HUID की तो बहुत बेस्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट बहुत से सुनार और बहुत से लोग ऐसे है गोल्ड, मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट आए भैया 22 कैरेट बोल के हमें 21 कैरेट भी इंडिया में गोल्ड मिला हुआ है। तो वो सब चीज़ें वो इसी के अंदर होती हैं कि आपको मेंशन नहीं हो पाता है कि वो एग्जैक्टली 22 कैरेट है या 21 कैरेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मिनिस्ट्री के थ्रू जो गोल्ड चेक होता है तो वो पूरा मेंशन होता है कि 22 का मतलब 22, 24 का मतलब 24, 21 का मतलब 21। तो गाइस अब इसमें क्या हो रहा है, इंडिया में 21 की जगह बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज किया भैया 22 की जगह में 21 मिल गया है तो अब हम क्या करें। तो गाइस उसी को थ्रू उसी के लिए गवर्नमेंट ये बहुत से स्ट्रिक्ट रूल लेके आई है जिससे बहुत से अब जो फेक गोल्ड और ये सब बेच रहे थे मतलब 22 का 21, तो अब क्या जब होल मार्किंग आ जाएगी तो उससे पूरा मेंशन हो जाएगा कि 22 का मतलब 22 कैरेट गोल्ड ही है। तो उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी आपको पता लग जाएगी कि वो पूरी परफेक्ट गोल्ड की क्वालिटी है। अगर आपने 22 लिया है तो उसमें 22 का होल मार्क वगैरह जो भी रहेगा वो रहेगा, 24 का रहेगा तो वो भी रहने वाला है। क्योंकि भाई बहुत से लोग अभी भी क्या है न्यूज़ वगैरह मतलब न्यूज़पेपर वगैरह ये सब नहीं पढ़ पाते हैं और मैं गोल्ड की वीडियो बना रहा हूँ तो इस रिगार्डिंग मेरे को थोड़ा एक नोटिफिकेशन आ गया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड अगर आप
अभी बहुत से लोग क्या होता है फाइनेंस अपनी जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है तो वो बहुत से लोग क्या होता है गोल्ड को बैंकों में जमा करवाते हैं या किसी भी मतलब ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ से उनको पैसा मिल सके, तो वहाँ पे उनको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे उनको वो पैसा नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है तो आपको वो हॉलमार्किंग चाहिए होगी और जब वो मेंशन होगा उस गोल्ड पे तो ही आपको वहाँ से लोन वगैरह मिल पाएगा। तो गाइस ये भी ध्यान रखें, अभी आप फ़िलहाल के लिए गोल्ड को थोड़ा जब यहाँ से भी ले रहे हैं पूरा अच्छे से पता करके, लेकिन उसमें होल मार्किंग HUID की है कि नहीं है, पूरा वो जो 6 डिजिट का कोड गवर्नमेंट जो उसमें आएगा वो है कि नहीं है, क्योंकि दुबई में तो क्या सारे गोल्ड में वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आप गोल्ड लेके जा रहे हैं तो वो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। और मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है कि प्राइस अब इंडिया में शायद गोल्ड के और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी शायद अभी आज जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है गोल्ड का वो दुबई में भी 216 पहुंच गया है, जो कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा वो 204-203 पे मैंने वीडियो बनाई है, जब मैंने गोल्ड परचेज़ किया था तो वो टाइम पे 187 पे मैंने बाय किया था। तो ये गाइस एक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका भाई आपका बेटा और इसी तरीके की आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप मतलब होते हैं जागरूक होना कि हाँ आपको वह पता लग जाएगा, तो आप थोड़ा अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको ये आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को पता लग जाए इसके बारे में। और हमारे जो भी भाई बहन जो भी जो छोटे मतलब जो गांव साइड के लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती, वो सिर्फ शॉप पे जाते हैं गोल्ड खरीद लेते हैं, तो उनको भी अवेयरनेस हो जाएगी और वो बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्ड ले पाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आप अपना प्यार दे रहे हैं और भी अपना प्यार देते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें गाइस, थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के प्यार की वजह से, जो मैंने आईफोन लिया है 14 प्रो है उसके उससे, तो थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है आपके पास, कल तक में एक वीडियो और आ जाएगी शायद, जो मैं जोएल लुकास या एक गोल्ड की वीडियो बनाने वाला हूँ, अब जो लेटेस्ट प्राइस चल रहे हैं उसके बिहाफ पे, और मतलब आप इंडिया लीगली तरीके से मैं बताने वाला हूँ आप इंडिया में लीगली तरीके से कैसे गोल्ड लेके जा सकते हैं। गाइस इलीगल तरीके से तो बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप नहीं लेके जाएं, अगर आप कस्टम में पकड़े गए तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और कस्टम भी चार्ज पे करना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है तो। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा वीडियो देखना और वीडियो को पूरा देखना, बहुत सी चीज़ें आप मिस कर सकते हो, जैसे बहुत से लोगों ने मेरे को बोला भैया प्राइस नहीं आ रहे वीडियो में, क्योंकि उन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं और वो मिस हो गई है। तो जो भी नीचे मैं आप जो भी आप मैं वीडियो में देता हूँ गोल्ड दिखाता हूँ उसके नीचे मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ, अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस उसके नीचे है। तो गाइस आपसे अलविदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलूंगा अगले ब्लॉग में अगले दमदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।